हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। आपका स्वागत है। मेरे सुने डिजिटल मार्केटर, आज हम आ गए कैनवा मास्टरी कोर्स की कंप्लीट सीरीज में लेसन टू। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज कैनवा फॉर बिगनर्स, यानी कि शुरुआती लोगों के लिए कैनवा का यूज कैसे करें, आज के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले लेसन वन में जाना था कि आखिर में कैनवा का परिचय क्या होता है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैनवा। तो चलिए आज हम कम्प्लीटली जानने वाले हैं कुछ की पॉइंट्स है, और आज का हमारा पूरा फोकस यही रहेगा कि कैसे हम कैनवा का यूज कर सकते हैं एज ए बिगिनर्स। आप नए आए हो और आपको फोटोशॉप बहुत बोरिया लगता है या फिर बोरिया आपको आती है फोटोशॉप करके, तो आप कैनवा का यूज कर सकते हैं क्रिएटिव वे में। यहाँ अपने लिए सोशल मीडिया पोस्ट से लेके अपने यूट्यूब थंबनेल से लेके हर एक चीज को आप कैनवा के हिसाब से कस्टमाइज से लेके हर तरीके से पोस्ट को बना सकते हैं। तो चलिए कैसे हम यूज करेंगे एज ए बिगनर्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ डिटेल में। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, जब भी आपको कैनवा एज ए बिगनर यूज करना हो तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। ये प्लेटफॉर्म जो आपके लिए बनाया गया है वो एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, यानी कि इजी टू यूज है। सिर्फ आपको टेम्पलेट चूज करनी है और देन उसके हिसाब से अपनी चीजों को, जैसे आपको पोस्ट बनाना है या फिर फ्लायर बनाना है, उस हिसाब से आप उनको चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ समझते हैं, और ये आपके लिए कैनवा को स्टार्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए इन सभी के बारे में समझते हैं। तो हाउ टू यूज कैनवा फॉर बिगनर्स, तो इस बिगनर ट्यूटोरियल्स पे स्टेप वन पे हमने जैसे ही जानेंगे कि इस कोर्स की पूरी कंप्लीटली मास्टरी सीरीज में हम सबसे पहले बात करेंगे क्रिएट अ कैनवा अकाउंट। क्योंकि जब भी आपको अगर कैनवा पे वर्क करना होगा तो आपको सबसे पहले नीड होगी अपना कैनवा अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो आपको सबसे पहले कैनवा की वेबसाइट पर जाना, या फिर अगर आप ऐसे एंड्रॉइड यूजर मोबाइल फोन यूज करते तो आपको कैनवा ऐप पर जाना होगा। देन जैसे आप कैनवा पर जाएंगे आपको साइन अप करना होगा, और जैसे ही एक बार आप साइन अप करते हैं तो आपकी कुछ ईमेल आईडी या फिर आप अपने मोबाइल नंबर से भी यहाँ पर कम्प्लीटली गूगल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट या ईमेल एड्रेस से भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। देन इसी के साथ आपका अकाउंट एक बार क्रिएट हो जाता है तो आप देख पाएंगे कि जब भी आपको लॉगिन करना होगा आपके कैनवा अकाउंट में, तो इस तरह की चीजें आपके सामने शो होगी। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं गूगल अकाउंट के साथ या फिर ईमेल के साथ या फिर फेसबुक के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप अपना कैनवा अकाउंट यहां से क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी स्टेप है, इसके बारे में भी हम कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप वीडियो कोर्सेस में बात करेंगे। साथ ही साथ इसे बिगनर्स को सीखने के लिए स्टेप सेकंड ये रहेगी, एक्सप्लोर दी कैनवा डैशबोर्ड। जब भी आप एक बार कैनवा पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले कैनवा के डैशबोर्ड को जानना होगा। सबसे पहले आपको डायरेक्टली देखना होगा कि कैनवा का डैशबोर्ड किस तरीके से आपको शो हो रहा है। देन इसी के साथ ये आपको बताएगा कि कौन कौन से सेक्शन टेम्पलेट्स के लिए आपको दिए गए हैं, चाहे आप कैनवा प्रो फीचर्स लेते हैं या फिर आप फ्लिप प्लान का यूज करते हैं अपनी डिजाइनिंग के लिए। तो ऐसे आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह की टेम्पलेट्स आपके लिए हेल्पफुल होगी। इन सभी चीजों को एक्सप्लोर करने के बाद आप देख पाएंगे ऐसे कैनवा का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो होगा। इसके बारे में हम कंप्लीट कोर्स आपको बताएंगे। देन इसी के साथ ही ऐसे बिगनर्स की हम बात करें, आप जब भी कैनवा का यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक डिजाइन चूज करनी होगी, क्रिएट करनी होगी डिजाइन को। तो ये कैसे क्रिएट की जाती है, साथ ही साथ किस टाइप्स की डिजाइन होती है, चाहे आप सोशल मीडिया पोस्ट के लिए क्रिएट करना चाहते हैं या कुछ प्रेजेंटेशन पीपीटीज तैयार करना चाहते हैं, कुछ पोस्टर फ्लायर्स या स्टोरीज यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर डिजाइन टाइप आपको चूज करना होता है कैनवा में। एज ए टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर दी जाएगी, यानी कि एक अल्टरनेटिव कैनवास की टेम्पलेट्स आप चूज कर सकते हैं उस डैशबोर्ड पर जो अवेलेबल होती है, और इस हिसाब से आप एक कम्प्लीटली अपनी सोशल मीडिया की पोस्ट, प्रेजेंटेशन, यूट्यूब के थंबनेल्स, हर प्रकार की वैरायटी ऑफ कंटेंट्स के लिए आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स मिल जाएगी। तो इसी तरीके से आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से कैनवा का डैशबोर्ड से लेके हर एक चीज कैसे काम करती है, साथ ही साथ आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि कैसे आप एक बढ़िया तरीके से डिजाइनिंग करेंगे। तो इन सभी के बारे में कोर्सेस लेके आ रहे हैं। देन इसी के साथ फोर स्टेप का कोर्स रहेगा आपका कस्टमाइज योर डिजाइन। अब जैसे हम सीरीज कंप्लीट करते जाएंगे तो आपको अपनी डिजाइन को कस्टमाइज करना आना बहुत जरूरी आता है, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी पोस्ट की या फिर कोर्सेज की डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं तो आपको सिलेक्ट करना होगा उस टेम्पलेट को। जब आप डिजाइन एडिटर में ओपन करते हैं आपको कस्टमाइज करनी होगी टेम्पलेट को, जिसपे की आपका एलिमेंट एडिट, टेक्स्ट किस प्रकार से आप कलर्स को चेंजेस कर सकते हैं और इमेजेस को रिप्लेस कर सकते हैं, साथ ही साथ अपलोड करके कुछ न्यू इमेजेस भी आप लगा सकते हैं। यानी कि सिंपल में हम ये जानेंगे कि कैसे हम कैनवा की डिजाइन को कस्टमाइज करेंगे। इन सभी स्टेप को पूरा करने के बाद आपको साइड बार से लेके
टेक्स्ट के अलाइनमेंट्स को मिलाने से लेकर हर एक टेक्स्ट ऑप्शन के बारे में हम कम्प्लीटली बात करेंगे। तो ये स्टेप फॉर एज ए बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ एज ए बिगनर्स को हम 5 स्टेप में बताने वाले हैं एड एलिमेंट एंड टेक्स्ट, यानी कि किस प्रकार से हम कैनवा का यूज करके कुछ एलिमेंट्स का यूज कर पाएंगे, जैसे कि हमें कुछ शेप चाहिए या लाइंस चाहिए या फिर आपको आइकॉन्स कुछ ऐड करने अपनी पोस्ट में, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डिजाइन आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये सिखाएंगे कि कैसे आप टेक्स्ट को एड कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे और वैरायटी ऑफ फॉन्ट एंड स्टाइल का यूज करके आप अपने लिए एक बढ़िया तरीके शानदार पीपीटीज या पोस्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ एलिमेंट्स एंड टेक्स्ट होते हैं जिनके बारे में हम कम्प्लीटली एडेड एलिमेंट टेक्स्ट की कोर्सेस में आपको बताएंगे। देन इसी के साथ कैनवा के कोर्स में स्टेप 6 आपके लिए आएगा, अपलोड योर ऑन इमेज। आप यहाँ पर अपने लिए खुद की इमेज को भी अपलोड कर सकते हैं, तो आपको अपलोड वाले कॉलम पे जाना होगा। देन इसके बाद कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, आपको कुछ डिजाइनिंग एरिया देखना है, इन सभी के बारे में भी हम आपको इजिली स्टेप बाय स्टेप इन दिस सीरीज में बताने वाले हैं। देन एज ए बिगनर्स आपको चीजें जानने की कैसे हम बैकग्राउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं, कलर को चेंजेस कर सकते हैं, तो ये स्टेप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो 7 स्टेप में यह आएगा कि कैसे आप बैकग्राउंड कलर को चेंज कर पा रहे हैं, इमेजेस को अपलोड कर पा रहे हैं, साथ ही साथ कलर की पैटर्न को कैसे आप मैच कर सकते हैं अपनी ब्रांडिंग से या अपनी डिजाइन की प्रेफरेंसेस से। तो इस प्रकार की चीजें आपके लिए 100 होगी। देन इसी के साथ आपको कम्प्लीटली प्रैक्टिकली इन सभी चीजों को देखने के लिए एज ए कम्प्लीटली आपको क्रिएट करने के लिए बताने वाले हैं। तो बहुत जल्दी इन सभी कोर्सेज की वीडियोस आएंगी, साथ ही साथ स्टेप 8 पर हम आपको बताएंगे अरेंज एंड अलाइन एलिमेंट, कैसे आप अरेंज कर पा रहे हैं एलिमेंट्स को, अलाइन कर पा रहे हैं। जब आपको एक बार टूल बार मिल जाता है तो आपको अरेंज करना होता है एलिमेंट्स को फॉरवर्ड और बैकवर्ड तरीके से। आपको यहाँ पे देखना होगा कि किस प्रकार से आप मल्टीपल एलिमेंट्स यूज कर पाएंगे, किस प्रकार का अलाइन टूल जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये कैसे अरेंज कर सकते हैं अलाइन एलिमेंट्स को इन कैनवा में, इस कोर्सेस में भी हम आपको कम्प्लीटली हर एक स्टेप, यानी कि छोटे छोटे स्टेप से लेके बड़ी बड़ी स्टेप एज ए बिगिनर टू एडवांस इन दिस कैनवा मास्टरी कोर्स में सिखाने वाले हैं। साथ ही साथ 9 स्टेप पर हम आपको बताएंगे कैसे हम प्रीव्यू एंड सेव कर सकते हैं अपने डिजाइन को, एक आई आइकॉन को बनाने से लेके कैसे हम राइट प्रीव्यू ला सकते हैं अपने डिजाइन का। मान लीजिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसकी हेल्प से आप बढ़िया तरीके से पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, बट वहां पर अब आपको चाहिए एज ए पीपीटी मोड पे वो पोस्ट चाहिए, या फिर आपको पीडीएफ में चाहिए, या फिर आपको एज ए जेपीजी या पीएनजी में चाहिए, तो कैनवा कैसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप अपने डिजाइन के हिसाब से सेटिस्फाइड तरीके से डाउनलोड के बटन पे जाके डिजाइन को डाउनलोड कर पाएंगे। और साथ ही साथ आप शेयर और प्रिंट के डिजाइन पे हम इसके बारे में कम्प्लीटली बात करेंगे कि कैसे आप शेयर बटन का यूज कर सकते हैं, कोलाबरेट कर सकते हैं और भी लोगों के साथ में। और यहाँ पर आपका एक बार जब पोस्ट या फिर जो भी फ्लायर है या सोशल मीडिया प्रिंट आउट के निकालना है आपको, तो सिलेक्ट कर सकते हैं एप्रिशिएट प्रिंट ऑप्शंस को, जिसमें के लिए आपको वैरायटी ऑप्शंस मिल जाते हैं डाउनलोडिंग करने के लिए। तो ये सभी स्टेप जिनके बारे में हमने कम्प्लीटली बात की है, ये सभी बिगनर टू एडवांस के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। और इन सभी के बारे में हम आपके लिए स्टेप बाय स्टेप कोर्सेस ला रहे हैं जिनको आपको कम्प्लीटली देखना है, और ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल एंड देन थ्योरेटिकल दोनों तरीके से होगा, जिससे कि आपके लिए कैनवा मास्टरी कोर्स सीखना बहुत आसान हो जाएगा। तो आई होप कि आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको आने वाली सीरीज में बहुत बढ़िया और बेहतरीन तरीके से कैनवा मास्टरी कोर्स सिखाने वाले हैं। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।